बच्चे के बाद इंजॉय होता है, क्यों नहीं होता है? मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी देखता है इनकॉग्निटो मोड में देखता होगा। ये तुम जन्मों जन्मों की क्या कसमें खाओगे यार, क्या निभाओगे सारे? गुबी, गुबी, मैंने तुझे 3-4 रील्स भेजी हैं। मैं ऑलरेडी देख चुका हूं कि मेरा इंटरनेट टाइम 8 घंटा पर डे है, ठीक है? तूने नहीं देखी हुई है, तू खोल मैंने जो भेजी है रील्स। अभी रुक जाओ, मैं कुछ खोज के मैं तुझे रील भेजती हूँ। गुबी, मैंने जो तुझे रील्स भेजी है खोल उसे। मैं रीले नहीं देख रहा रीले। और आपने बना... दोस्तों की तो बड़ा देखते हैं, आपने बनाई भी नहीं है ना, जो लोग बना रहे हैं मैं उनकी देखता हूँ ना। यू आर नॉट द क्रिएटर, यू आर जस्ट व्हाट आई एम सेंडिंग यू ना। यू आर द सेट। स्कैम वाली देख ली मैंने। कौन सी? हां, स्कैम फुल टैंक, ये वाली मैंने बहुत पहले से देखी हुई थी, वो बादशाह वाली। अच्छा ये बता दोस्त, तुम नहीं ये बता ना लालू यादव क्या बोलता है। सावन के बाद कह रहा है कभी छोड़ दिए पर कभी कभी खा लेते हैं। माय डैड सडनली वांट्स रोटी, नहीं ये नहीं देखी। ये देख बहुत फनी है। आप एक दिन में 4-4 भेजोगे तो मैं कैसे देखूंगा यार। मॉम ट्राइंग टू विद एलेक्सा, ये तो मर जाता हराम जद्दा एलेक्सा, ये भी देखी हुई है, ये भी मैंने देखी हुई है, पाकिस्तान वाली है। तो वो भी मैं भेज से एक बार फिर से देख लिया। अब आपको कट गया तेरा तो सीन भी नहीं हो, अपनी बीवी के लिए दूसरी बार देख के फिर से हंस लिया कर, क्या बोलता है? यार मैं कितना इंटरनेट पे रह रहा हूं यार, पता मैंने आपकी 8 में से 7 रीलें देखी हुई थी। ऐसे गंगा उल्टी कब से बहने लगी? लड़कियों को टाइम लगता था रेडी होने में, लड़के कब से इतना टाइम लगाने लगे? हाँ 4 बार शर्ट चेंज कर चुका है, देख चुका है कि ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। श्रेया ब्रांड वर्क है ना, मेहनत करनी होती है। हाँ। तो जब मैं मेहनत करता हूँ ना, और मैंने देखा है जब कोई तो हमेशा ऐसे ही कंफ्यूज, जब शो पे भी जाता है तो 4 शर्ट चेंज करता है, 50 बार पूछता है अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। गुबी पंखा देख लिया, कितना गंदा हो रहा है। पंखा लगी दिक्कत है, सबके घर के पंखे साफ रहते हैं, किसी का नहीं रहता साफ। जो आप लोग कमेंट में लिख देते हो ना, पंखा देख लो गंदा है, कभी अपने घर का पंखा दिखाना चाहे एक बार, फिर मैं बात करूंगा। जब उड़ करके होता नहीं, अगर आप लैपटॉप पे काम करते हो उड़ करके, कैसे उड़ करके रुई से गिरती है काले रंग की। हाँ। ये क्या है? अरे इतना पुराना हो गया कि लटक के गिर ही गया। सच में तभी मुझे भी तभी पता चल रहा था, ऐसे चेहरा ऊपर जाता ही नहीं, या तो मन भी नहीं करता ऊपर देखने के, यार बेकार में काम करना पड़ेगा। पर कौन देखता है यार, हमारा आई लेवल ही जब यही है, ऐसा कोई देख के बात करता है क्या? लू नहीं है तो क्या बोलते हैं, खजूरा सा आता है। चलो ब्रांड वर्क के पीछे की सच्चाई दिखा रही है, देखो बॉक्सर्स के ऊपर शर्ट पहनी है। अगर आपने ये वाला हमारा ब्रांड वर्क इंस्टा पे देखा तो कमेंट कर देना, नीचे तो बॉक्सर्स पहने हमें पता है। ठीक है, आपको पहले बोल रहे हैं घर पे ही मंगवा लेते। मैं लैपटॉप ऐसे लेके बैठूं, ऐसे नॉर्मल बैठने में अच्छा थोड़ी लगेगा। आप पहले मेरे की ले लो, क्योंकि पहले मेरे। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, इस ब्रांड वर्क का पैसा आप भी दे रहे हो? आप दे तो रहो, दे रहा है क्या? हाँ फिर ठीक, बिकॉज आई एम I'm not going to office for this, okay? So I have to be compensated. I can't stick to the plan. I'm a perfectionist. Perfectionist stick to the plan, Shreya, मत करियो। आपको नहीं आता ना, मैं कह रहा हूँ। अबे तू 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 है अपनी acting देखी है? मैं acting इतनी forced acting करता है तू? मुझे बता रहा है acting के बारे में। Guys, अगर आप लोगों को पता हो तो बॉनी आया है हमारे घर पे, जिसकी कलकत्ता वाली शादी में थी। मिनी, पप्पू चाचा, चाची और ये राघव, इतने लोगों की भीड़ में ये लेके बैठा है पढ़ाई करने के लिए। हम भी बचपन में यही करते थे। क्या कर रहा है रघुवा? कैलकुलस क्या है ये? तेरा कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, जीरो जीरो। तो फिर चाची कह रही हूँ कि गौरव लुगाई का कितना लाड करता है, लाड करे गौरव का। अरे भाई हम लोग को खुश खुशखबरी नानी बनने का इच्छा हो रहा है। इधर है ना ये दोनों? हाँ वो तैयार है, वो तो जॉब ढूंढ रही है। जॉब ढूंढ रही क्या हुआ? अरे जॉब वाली के नहीं होते हैं क्या? चाची अभी तो शादी हुई है, अभी से बेचारों पे क्या प्रेशर डाल रहे हैं? एंजॉय करते रहो उसमें क्या। अच्छा बच्चे के बाद एंजॉय होता है? क्यों नहीं होता है, और ज्यादा होता है। इसके बाद दूसरा बोलेंगे, आप दूसरा कहोगे कि इसका एक आगे। अरे पागल, अरे अब इसका भाई बहन भी तो चाहिए। अरे मैं तो बात सुन, मैं इसको ट्विंस का आशीर्वाद देके रखी। अच्छा अच्छा, आशीर्वाद से ट्विंस हो रहा है। मिकी दे आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं मैं बोलना चाहूंगी, बहुत पर्सनल डिसीजन है। बात ये भी है कि बच्चे के बाद ना देयर इज नो गोइंग बैक, मतलब जो एक वो डिसीजन है, इट विल लिव विद यू फॉर योर लाइफ एंटायर लाइफ। बिल्कुल भी नहीं, बच्चे पहले के लोग सोच समझ के पैदा करते थे, ये जो इतना बैठे सब सोच के पैदा किए हैं क्या? नहीं बट अब हमारा तो सोच के हुआ था भाई। कुछ समझ के नहीं आया, उनको समझ में आ गया,
सुनो चेंज करेगी, चेंज कुछ नहीं बट डिफिकल्ट है ना मामी, देयर इज लाइक टू चेंज है ना. हम लोग है चाचा को देख लो, चाचा कह रहे हम लोग नहीं, हम आई नो हाउ आई फ्रेज अ चाइल्ड, दिस इज नॉट एन इजी डिसीजन, लेट हर डिसाइड. मुझे पता नहीं था वो जो हमने गौरव देखा उसका मतलब क्या है, तो वही गौरव समझा रहे हैं मुझे. आपने वो पिक्चर नहीं देखी माय लाइफ इन अ मेट्रो? I focused on some other details in that movie. सारी डिटेल में कुछ ना कुछ ऐसा ही था कि एक इतना प्लेटोनिक लव था धर्मेंद्र और वो नफीसा अली के बीच में. वो भी ये डलेगा. मैन आई चोज टू फोकस ऑन फ्यू अदर थिंग्स, यू चोज समथिंग एल्स. मे बी कभी तो हो जाता है कुछ अजीब सा वियर्ड सा सजेशन आता है अगर आपकी हिस्ट्री नहीं भी हो तो. अब लोग बोले श्रेया कितनी भोली है. नहीं मुझे पता, मुझे गौरव पे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी देखता है इनकॉग्निटो मोड में देखता होगा. तो हमें पता है व्लॉग का ना कि थोड़ा सा कुछ तो दिखाना पड़ेगा, कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ जो कि हम दिखाना नहीं चाहते हैं. बट फिर लगता है यार दिस इज लाइक गोइंग टू फार, अपनी पूरी जिंदगी खोल के रख दो. ऐसा नहीं कि हमारी उथल पुथल नहीं चल रही है, बट ठीक ही चल रहा है. क्या उथल पुथल क्या चल रहा है? कुछ गुबी व्लॉग के लिए बोलना पड़ता है. ओ सॉरी, उथल पुथल बहुत चल रहा है दोस्तों. वही है कि एक एक चीज दिखाएंगे तो फिर लगेगा कि अच्छा और भी बताओ क्या अपनी लाइफ के बारे में, फिर लगेगा और भी बताओ, कितना बताएंगे यार. तो जितना हमें दिखाना होता है उतना ही दिखाते हैं हम, थोड़े मज़े वाले पार्टी दिखाते हैं अपनी लाइफ के, हम उतना रोना धोना स्ट्रगल ये सब नहीं दिखाते. बट आई थिंक हमें दिखाना चाहिए, वो क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो फिर आपको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा. गाइस मैं बोलना चाहती हूँ, हमारे घर में ना थोड़े जैसे हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हमारे बेड पे खटमल है, क्योंकि लग नहीं रहा था यार. मैंने एक 3-star होटल में रुका, अब वो तो सही वेन्यू के पास था भाई, सस्ता मिल गया, मैंने कहा ले लेता कोई दिक्कत नहीं है. अब मैं सोया रात को आके लेटा शो करके बैंगलोर शो, जो आपने देखा जिस जो लोग बैंगलोर आए थे कमेंट करके बता दीजिए शो वाले, आ करके मैं लेटा. शायद मैं आपको काट नहीं रहा हूँ, बस मेरे को ज्यादा पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? आप ऐसे मत सोचना, इट्स नॉट मैंसप्लेनिंग. ओके प्लीज कंटिन्यू. ओह माय गॉड, यू रियलाइज इट नाउ आफ्टर 400 व्लॉग्स. लेटा दो मिनट मैं शो करके आया, थका हुआ था बहुत, आधा घंटा लेट गया. उठ के मैं नहाने गया गर्म पानी से, हॉट वाटर बाथ, यू नो भाई. जैसे ही पानी पड़ा ना मेरे ऊपर, ऐसे चुड़मुड़िया काटी एकदम पीठ पर, क्या हुआ? और मैं खुजाना शुरू करा, खुजाते खुजाते 2-3 मिनट खुजाया भाई, ये मोटे मोटे ऐसे लाल यहाँ वहाँ, मुझे लगा एलर्जी हो गई और मैं लग रहा थी नहीं. फिर मैं घर आ गया. अब आगे का आप बता दो. आगे का आगे फिर मुझे श्रेया देखो मेरे पीठ में ऐसे हो गए, मैंने अब मेरी हाँ, फिर एक दो दिन हुआ उसके बाद मुझे भी ऐसे होने लगा. मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार. मैंने फिर गौरव को बोला ये तो खटमल है, फिर इसे याद आया कि हाँ ये बैंगलोर गया था किसी होटल में रुका था, वहाँ पे भी उसे ऐसे हुआ था. Then we connected कि भाई होटल वोटल ना, then we connected the dots जो कटमल के dots थे ना. तो अभी मैं ये बात इसलिए बोल रही थी कि गौरव कल विकासपुरी गया था और परसों खटमल वाला हमारा, हमें पता चला कि शायद खटमल होंगे, हेल्प करेगा. खटमल घर में है तो भाग लिया लिटरली, विकासपुरी सोने जा रहा हूँ मैं. उसके बाद मुझे कॉल करके पूछे श्रेया पेस्टिसाइड करवा दिया पेस्ट कंट्रोल? मैंने कहा हाँ सब करवा दिया मैंने. बोले श्रेया वो ठीक होगी, आप देखा आपने है खटमल है. तो ये तुम जन्मो जन्मो की क्या कसमें खाओगे यार, क्या निभाओगे सारे. मैं उसके चक्कर में विकासपुरी काम से गया था इसके लिए. कल बटर चिकन बनाया मैंने, इसे कॉल करके बोला मैंने वो भी मैंने तेरे लिए बटर चिकन बनाया. मतलब इमेजिन वो खटमल का खौफ इसको इतना होंगे कि बटर चिकन के लिए भी नहीं आया. खटमल का जो मेनेस होता है ना वो एक बार और हमारे साथ हुआ है, इट इज क्रेजी. तो वही है, तो बस करे ध्यान, जो बहुत ट्रैवल करते हैं प्लीज ध्यान रखो क्योंकि होटल वोटल के मैट्रेस धूप वूप लगते नहीं है, वो सब होता नहीं है. तो सब होटल के मैट्रेस धूप लगते हैं, पागल हो गया, लोग रोज रुकते हैं. अच्छा हो सकता है लग रहा है ले जा के धूप लगा रहे होंगे वो लोग, कुछ भी बोल रहे हैं, वैक्यूम करते हैं जो नॉर्मल. गाइस गौरव को आज पता नहीं क्या चूल मची है, मैं फेशियल कराऊंगा कभी अपनी शादी में करवाया है नहीं, आज इसको पता शादी में कराया था श्रेया, मैंने आपको मैं सफेद नहीं लग रहा था एकदम. वो भी वो तो फाउंडेशन लगाया था ना उसने. अच्छा फाउंडेशन ही लगाया था, फेशियल कराया था पूरा. फेशियल करा के वो सफेद नहीं, मैं तो पता बाल कटा दाढ़ी बनवाने गया था. कह रहा भैया आज क्यों 4 बजे आ गए? मैं भाई शादी है रात को, तुम्हें शर्म, मेरे बुद्धि पता छोटा मारा. कह रहा तुम्हें शर्म नहीं आ रही शादी के दिन दाढ़ी बनवा के जाता कोई? मैं करूंगा. मैं कह रहा नहीं चाहिए. कह रहा अरे पैसा मत देना मैं कर दूंगा. कर दिया साले ने 1500 को बट्टा बटा दिया मेरा. तो सबको कॉल कर रहा आकाश को, आकाश भाई फेशियल कराने चलेगा? फिर गुप्ता आकाश ने बोला मेरा विजडम तू निकला, मैं तो बिल्कुल ना कराऊं फेशियल. यही तो बोलते हैं ना. गौरव गुप्ता को कॉल किया, गौरव गुप्ता को मतलब. तो वो जी उनका अलग कुछ चल रहा है, कुछ प्लानिंग. That was the end of today's vlog. I hope you liked the vlog. Subscribe to the channel. Yeah.
क्या बोलूँ फिर आप बोलो ओके गाइस दैट वाज द एंड ऑफ टुडेस ब्लॉग आई होप यू लाइक द ब्लॉग यू लाइक द ब्लॉग यू सब्सक्राइब द चैनल